हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडट। इस लास्ट लेसन की अच्छी बात ये है कि ये आपका है फर्स्ट लेसन। इसमें आपके पास एक है फ्रेंच, आपको जिसका नाम याद रखना है, एक है फ्रेंच और उनके एक स्कूल में टीचर हैं, उनका नाम है एम हैमन। तो याद रखना दो चीज़ें, पहला है फ्रेंच जो लड़का है जो स्कूल जाता है, और दूसरा है एम हैमन। कुछ स्टोरी इस तरह से शुरू होती है कि फ्रेंच को प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है, वो पढ़ा रहे होते हैं स्कूल में, जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं आपके पार्टिसिपल्स, याद रखिएगा इसको, पार्टिसिपल्स स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं पार्टिसिपल्स। और जो एम हैमन है उन्होंने कहा है फ्रेंच को कि इनको याद करके आना, यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स। बट जो फ्रेंच है उसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब वो स्कूल की तरफ आ रहा है। जब फ्रेंच स्कूल की तरफ आ रहा था तो वह देखता है कि सारे लोग बैठे हुए हैं और जो एम हैमल हैं जो उनके टीचर थे वो एक अच्छे से कोट को पहनकर वहां पर खड़े हैं। उसे बड़ा यहां पर आश्चर्य होता है, उसे सरप्राइज होता है कि यहाँ पर इतनी शांति क्यों है। सारे लोग वहाँ बहुत शांत बैठे थे, जैसे कि यह एक संडे का दिन हो। यहाँ पर यूजुअली आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है अनयूजुअल। अनयूजुअल वर्ड का मतलब होता है जो स्वाभाविक ना हो, जो कि जैसा डेली होता है वैसा ना हो रहा हो। तो मैंने आप लोगों को दो तीन चीजें बताई कि अनयूजुअल चीजें क्या क्या थी, व्हाट वर अनयूजुअल थिंग। अनयूजुअल जो वर्ड है वो यूजुअल वर्ड से बना हुआ है, और यूजुअल का मतलब होता है जैसा रोज होता है, जैसा हमेशा होता है। अनयूजुअल मतलब जैसा उस दिन नहीं हो रहा, रोज की तरह। अब यहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं वो देखिए। पहला है कि वहां पर बहुत ज्यादा शांति है, means it was quiet as Sunday and there was no bustle. Third thing, there were other people were gathered there. और लोग आए हुए थे, gather means होता है इकट्ठा होना। अब चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। जो चीजें हमने अभी तक देखी कि वहां पर क्वाइट सारे लोग बैठे हुए थे, वो ऐसा क्यों हुआ था वहां पर, वो इसलिए था कि एक न्यूज आई थी जो कि बुलेटिन बोर्ड पर लिखी गई थी, और ये न्यूज आई थी आपकी बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कहने का मतलब है कि आज के बाद उस स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। इससे पहले जितने भी वहां पर बच्चे थे वो लोग बहुत दुखी होते थे इसलिए कि उन्हें फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, जबकि फ्रेंच उनकी खुद की लैंग्वेज थी। जैसा कि ज्यादातर लोग इंग्लिश के बारे में सोचते हैं, ये बात अलग है कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है पर फिर भी काम की लैंग्वेज है। अब ये सभी लोग जो बच्चे थे वो लोग इस बात से दुखी हैं कि फ्रेंच अब नहीं पढ़ाई जाएगी, अब उन्हें पढ़नी पड़ेगी जर्मन लैंग्वेज। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है फिर से कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। यहां पर एक वर्ड आया है आपका पुट अप, कि जो बुलेटिन बोर्ड है उस पर क्या है, क्या लिखा गया है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया था एक ऑर्डर लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। जो बर्लिन से एक ऑर्डर आया था वो उसने स्कूल में क्या चेंजेस लाए। सबसे पहला जो चेंज आया था वो एम हैमल के अंदर आया था। एम हैमल ने एक कोट पहना था, ये कोट जो था वो ग्रीन कलर का था।
साथ में उन्होंने अपना इस ब्यूटीफुल कोट के साथ उन्होंने एक फ्रिल्ड शर्ट भी पहनी थी। यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा, फ्रिल्ड शर्ट, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड अ सिल्क कैप। यहाँ पे उन्होंने ब्लैक कलर की एक कैप भी पहनी थी। तो आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। एम हैमल के अंदर ये चेंज आया था। अब दूसरा जो चेंज था वो ये था कि द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉल्व। यहाँ पे एक और एक वर्ड आया है। अगर स्कूल के एनवायरमेंट की बात की जाए तो स्कूल के एनवायरमेंट में उन्होंने कहा एक वर्ड आया क्वाइट। द स्कूल वॉज क्वाइट, आप इस तरह से लिख सकते हैं, और स्कूल वॉज सॉलम, ये भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। सॉलम मीन्स क्वाइट ही होता है, तो आप बोल सकते हैं स्कूल वॉज क्वाइट एंड स्कूल वॉज सॉलम। थर्ड थिंग जो आपको याद रखनी है वो है कि स्कूल में विलेजर्स भी आए हुए थे और विलेजर्स वर सिटिंग, अगेन द वर्ड यू कैन यूज क्वाइट, बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। और दूसरी चीज आप लिख सकते हैं दे वर सिटिंग लाइक किड्स, पीछे बैठे हुए थे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। अब आपको आगे जो है वो बताया जाता है कि जो फ्रेंच है, जो लड़का फ्रेंच था उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आ गए थे। उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे वन बाय वन हमें वो पूछे जाते हैं या हमें उसके बारे में लिखना होता है। जो फ्रेंच पहले बहुत दुखी होता था इस बात से कि उसे ये लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, अब वह सोच रहा है अपनी बुक्स के बारे में, जिन बुक्स को वो पहले मानता था बर्डन, बर्डन मीन्स बोझ, वो उन बुक्स को मानता था पहले बर्डन, लेकिन अब उन्हें उससे, उसको उन बुक्स से एक तरह से प्यार हो गया है और वो सोच रहा है कि वो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं। उन बुक्स के बारे में वो सोचने लगता है कि बुक्स वर हिज ओल्ड फ्रेंड्स। जो फ्रेंच है उसके अंदर एक और बदलाव आता है, जो उसकी टीचर है एम हैमल, एम हैमल भी अब उसे उतने क्रैंकी नहीं लगते और वो एक जो रूलर, जो जिससे कि यूजुअली टीचर्स फ्रेंच को पीटा करते रहे होंगे या डराया करते रहे होंगे, उस रूलर से भी, वह उस रूलर को भी अब भूल गया है। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूलना। तो अगर आपको सेंटेंस लिखना है तो ही, और आप लिख सकते हो फ्रेंच के बारे में, तो ही फॉरगेट्स अबाउट रूलर एंड ही फॉरगेट्स अबाउट एम हैमल्स ऑल्सो अबाउट हाउ क्रैंकी ही वॉज। एक वर्ड आया है फिर से यहां पर, आपको याद रखना है क्रैंकी, हार्ड। सो इस पार्ट में आपको इतनी स्टोरी याद रखनी है कि अगर आपको पूछा जाए एक क्वेश्चन कि जो फ्रेंच है उनके अंदर क्या फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनके अपने बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए। फर्स्ट वॉज द बिहेवियर टुवर्ड्स बुक, बुक को वो बर्डन समझते थे, नाउ ही थिंक्स दैट दीज आर हिज ओल्ड फ्रेंड्स। अबाउट एम हैमल, ही फॉरगेट्स अबाउट हिज हाउ क्रैंकी ही वॉज, एंड द थर्ड थिंग ही फॉरगेट अबाउट रूलर।